बॉलीवुड एक्टर्स ही नहीं बल्कि कुछ ऐसे डायरेक्टर और फिल्म मेकर्स भी हैं जिनका विश्व भर में नाम काफी फेमस है। इसी लिस्ट में सबसे पहले नाम आता है करण जौहर का। लेकिन जनाब, अब वो ऐसे पहले भारतीय फिल्म मेकर हैं जिनका लंदन के मैडम तुसाद म्यूजियम में वैक्स स्टैचू लगने जा रहा है। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूँ अभिषेक। आपने लॉग इन किया है वन इंडिया हिंदी यूट्यूब चैनल। मैडम तुसाद म्यूजियम में अभी तक कई बॉलीवुड सेलेब्स के वैक्स पुतले लग चुके हैं, लेकिन पहली बार मैडम तुसाद ने ऐसा फैसला लिया है जो इससे पहले कभी नहीं हुआ। दरअसल इस बार किसी एक्टर नहीं बल्कि एक निर्माता निर्देशक का पुतला पहली बार मैडम तुसाद लंदन में बनने जा रहा है। ये फिल्म मेकर कोई और नहीं बल्कि करण जौहर हैं। करण जल्द ही मैडम तुसाद के म्यूजियम का हिस्सा बनेंगे। मैडम तुसाद म्यूजियम के डायरेक्टर से करण जौहर की मुलाकात 12 अप्रैल को हुई है। इस मुलाकात के बाद ये फाइनल हो गया कि करण जौहर भी इस म्यूजियम का हिस्सा होंगे। करण ने म्यूजियम के क्रिएटिव डायरेक्टर को मेजरमेंट दे दिया है। अब जल्द ही उनका पुतला इस म्यूजियम की शोभा बढ़ाएगा। मैडम तुसाद संग्रहालय की स्थापना 1835 में मोम शिल्पकार मेरी तुसाद ने की थी। करण से पहले यहाँ सलमान खान, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, ऐश्वर्या राय, रजनीकांत, वरुण धवन और बाहुबली फेम प्रभास जैसे पॉपुलर सेलेब्स के पुतले लग चुके हैं। लेकिन फिलहाल तो तरण आदर्श ने खुद ये जानकारी दी है करण की फोटो शेयर करते हुए कि करण जौहर का मोम का पुतला लगने वाला है मैडम तुसाद म्यूजियम में। वहीं पर करण जौहर ने भी खुद अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इस बात की जानकारी दी है ये फोटो शेयर करते हुए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही।